Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine. So today I am going to explain you the chapter Working with Windows 7. Fine, इस वीडियो में हम इस चैप्टर को समझेंगे वर्किंग विद विंडोज 7 और इसमें पता लगेगा हमें कि विंडोज 7 कैसे वर्क करती है और उसके फीचर्स जो हैं वो क्या क्या फीचर्स हैं. सो कंप्यूटर इज़ अ मशीन विच कैन नॉट थिंक ऑन इट्स ओन एंड रिक्वायर्स इंस्ट्रक्शन फ्रॉम अस. ये हम सबको पता है कि जो कंप्यूटर है उसको हमारी इंस्ट्रक्शंस चाहिए होती हैं, वो अपने आप से कोई वर्क नहीं कर सकता है. सो दैट्स व्हाट दे आर टेलिंग अस एंड रिमाइंडिंग अस एक्चुअली, बिकॉज ये चीज़ हम हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं कि कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो खुद से कोई काम नहीं कर सकता है, उसको हमारी इंस्ट्रक्शंस की ज़रूरत पड़ती है. सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम ऑफ अ कंप्यूटर इज़ द ऑपरेटिंग सिस्टम. जो सबसे ज़्यादा कंप्यूटर का इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम होता है वो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम. अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? इट इज़ अ मीडियम थ्रू विच वी कैन इंट्रैक्ट विद द हार्डवेयर यूजिंग सॉफ्टवेयर. ठीक है, ये एक वो मीडियम होता है, मीन एक वो सोर्स होता है जिससे हम इंट्रैक्ट कर सकते हैं अपने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को, दोनों को साथ में यूज़ करके. फॉर एग्जांपल हार्डवेयर हम सबको पता है, जैसे कि हम कह सकते हैं कीबोर्ड. कीबोर्ड हमारा एक हार्डवेयर है, राइट? सो अगर हम यूज़ करें कीबोर्ड, अगर हम कीबोर्ड की बात करें, सो कीबोर्ड हम यूज़ कर रहे हैं तो सामने, फॉर एग्जांपल अभी तो ये देखो कोई और एल्स विंडो है. अगर मैं यहाँ पे अपना कीबोर्ड जो है वो वर्क करती भी हूँ तो वो कुछ नहीं होगा, राइट? या फिर अगर मेरा कंप्यूटर ऑन ही नहीं हो रहा है, उसके अंदर कोई प्रोग्राम, कोई सॉफ्टवेयर है ही नहीं, है ना, किसी भी तरह से मैं यूज़ ही नहीं कर सकती, तो कीबोर्ड का क्या फ़ायदा, राइट? सो ये दोनों को साइमल्टेनियसली मीन्स साथ साथ में काम करवाने के लिए हमें ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत होती है. उसके बिना हम जो है अपना सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर दोनों को इंटरेक्ट नहीं करवा सकते, बात नहीं करवा सकते, एक दूसरे से मिला नहीं सकते, हम दोनों को साथ में यूज़ नहीं कर सकते हैं. ओके, इट कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ अ कंप्यूटर. ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कंप्यूटर की सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है, मींस वो ही हेल्प करता है आगे बढ़ने में कंप्यूटर को. देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स सच एज विंडोज़, लिनक्स, यूनिक्स एट्सेट्रा. अब यहाँ पे वो बता रहे हैं कि बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं जो ये हम यूज़ कर सकते हैं अपने कंप्यूटर के अंदर उसको रन करने के लिए. सो सम एग्जांपल्स आर विंडोज़, लिनक्स एंड यूनिक्स. विंडोज़ इज़ अ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेरेंस बिटवीन अ कंप्यूटर एंड इट्स यूज़र. ठीक है, अब वो बोल रहे हैं कि जो विंडोज़ है वो एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेरेंस है, मीन्स वो ग्राफिकल व्यू देती है हमें. ग्राफिकल व्यू मीन्स एक एनिमेटेड काइंड ऑफ, एक जो भी हमें इमेजेस का व्यू चाहिए होता है वो ग्राफिकल व्यू देती है. सो कंप्यूटर और यूज़र का जो रिलेशन है वो क्या है? ग्राफिकल यूज़र इंटरफेरेंस का रिलेशन है, इंटरफेस. सो इसको हम GUI भी बोलते हैं. Alright, so here are some examples of Windows versions. जो Windows की अलग अलग versions हैं उनके examples हैं. The first images of Windows 7, then Windows Vista and then Windows XP. अगर हम देखें जो इसका default view है, जो desktop है default, see ये तीनों का different है, right? So इसके अंदर working में भी इनके automatically difference आ जाता है. Now features of Windows 7. What are the features of Windows 7? Windows 7 के features क्या है वो हम इस topic के अंदर cover करेंगे. So the first version of Windows operating system was Windows 95. Fine. So आप वो बता रहे हैं कि जो first version है Windows का वो था Windows 95. And since then many version of Windows have been released. तब से लेके अब तक बहुत सारे versions जो हैं Windows के release हो चुके हैं. The most popular versions of Windows are, अब जो most popular versions हैं Windows की वो है Windows 98, Windows 2000, Windows ME, Windows XP and Windows Vista, then Windows 7 and Windows 8. जो अब latest चल रही है that is Windows 10. Fine, Windows 10 is the latest version ऑफ विंडोज़. और उससे पहले ये सारी जो विंडोज़ की वर्जन्स थी ये बहुत ज़्यादा फेमस रही हैं. फाइन, सो ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम हैज़ बिकम वेरी पॉपुलर बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स. अब वो बता रहे हैं कि विंडोज 7 का जो
वर्जन है ऑपरेटिंग सिस्टम का, वो जो है फॉलोइंग फीचर्स की वजह से बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था, कि बहुत ज़्यादा लोग इसको यूज़ करते थे। विंडोज़ इज़ अट्रैक्टिव एंड ईजी टू यूज़। अब विंडोज़ 7, विंडोज़ 7 जो है वो उसके अंदर एक फ़ीचर था जिसके थ्रू हम इजीली क्या कहते हैं वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिवली मतलब वर्क कर सकते थे, बहुत ज़्यादा वो अट्रैक्टिव बन चुका था। अट्रैक्टिव बन चुका मीन उसको जब वो लोग देखते थे, जो यूज़र्स है उसके देखते थे, वो उनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती थी, उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती थी वो चीज़। बिकॉज वाई, अब वो हम रीड आउट करते हैं। विंडोज 7 हैज़ अ वेरी अट्रैक्टिव लुक विद कलरफुल थीम्स एंड स्लाइड शोज। उसके अंदर थीम्स जो हैं वो बहुत ही कलरफुल थे, बहुत अच्छे अच्छे स्लाइड्स शोज थे जिसमें स्लाइड्स पास ऑन होती हैं, चेंज होती हैं, वो चीज़ें थी। इट इज़ वेरी ईजी टू यूज़ विंडोज 7। अब ये जो विंडोज 7 उन्होंने बनाई थी वो बहुत ही ज़्यादा ईजी टू यूज़ थी। द यूज़ ऑफ ग्राफिक्स मेक इट क्वाइट इंटरैक्टिव। जो उसके अंदर ग्राफिक्स यूज़ किए गए थे उसकी वजह से वो क्वाइट इंटरैक्टिव लगती थी। वो ऐसा लगता था कि हम से जो हम चीज़ चाहते हैं वही चीज़ हमें मिल रही है, वो इंटरैक्ट कर रही है हमारे साथ। इट वर्क्स द वे वी वॉन्ट एंड मेक्स न्यू थिंग्स पॉसिबल। जो भी चीज़ें हमें चाहिए थी वो सब वो कर रही थी और न्यू थिंग्स को पॉसिबल बना रही थी। सर्चिंग मेड ईजियर। नाउ यूजिंग विंडोज 7 वी कैन क्विकली सर्च फॉर मोर थिंग्स इन मोर प्लेसेस इन आर कंप्यूटर। वो बता रहे हैं कि हम अपने कंप्यूटर में बहुत ईजिली और चीज़ें जो हैं वो सर्च कर पा रहे थे। देन कम्स द टास्क बार, विंडोज 7 टास्क बार। द टास्क बार ऑफ विंडोज 7 इज मोर फ्लेक्सिबल एंड एप्लीकेशन ओरिएंटेड। अब वो बोल रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल था और एप्लीकेशन ओरिएंटेड था, कि इसमें हम एप्लीकेशंस जो हैं बहुत इजीली एक्सेस कर सकते थे। वी कैन पिन आर फेवरेट प्रोग्राम्स ऑन द टास्क बार फॉर इजी एक्सेस। हम अपने जो टास्क बार है उसके ऊपर फेवरेट प्रोग्राम्स को पिन कर सकते थे। सी लाइक द वे आई डिड, ये जो है ये मेरा टास्क बार है, जो ये नीचे सबसे नीचे ये बार आ रहा है। इफ़ यू कैन सी माई कर्सर मूविंग, इस बार को हम बोलते हैं टास्क बार। अब यहाँ पे मैंने अपने फेवरेट प्रोग्राम्स पिन किए हुए हैं, पिन किए मतलब उसके ऊपर रखे हुए हैं फॉर इजी एक्सेस, बिकॉज आई कैन क्विकली क्लिक ऑन दीज आइकन्स टू गो ऑन द प्रोग्राम आई वॉन्ट। ठीक है, सो ये टास्क बार पे हमने पिन किए हुए हैं। ऑलराइट, द न्यू एरो पीक फीचर अलाउ अस टू टर्न द ओपन विंडोज ट्रांसपेरेंट एंड मेक द डेस्कटॉप ऑफ कंप्यूटर विजिबल। ठीक है, वो बोल रहे हैं जो एरो पीक फीचर है, एरो पीक फीचर जो है वो अलाउ करता है कि हमारी जो डेस्कटॉप है, चाहे हमने उसके ऊपर जितनी मर्जी चीज़ें खोली हों, जितनी मर्जी हमने विंडोज़ फाइल्स ओपन की हों, हम ईजिली सिर्फ एक वन क्लिक से अपना जो डेस्कटॉप है वो देख सकते हैं। फाइन सी, तो एरो पीक फीचर जो है वो कहाँ होता है, टू डू सो, सी इट इज़ टेलिंग अस टू डू सो जस्ट पॉइंट एंड क्लिक ऑन द राइट एज ऑफ द टास्क बार। अब ये है मेरी राइट एज, दिस वन, सी ये मेरा डेस्कटॉप आ गया, एंड देन ओपन अगेन डेस्कटॉप से हम उस विंडो पे पहुंच गए जो हमने लास्ट खोली हुई थी। सो देर इज़ ओनली वन क्लिक दिस, फाइन। सो फॉर एग्जाम्पल मैंने एक ये विंडो खोली है, इसके अलावा मैंने और बहुत सारी विंडोज़ खोली हैं, तब भी मैं सिर्फ और सिर्फ इस पे ही क्लिक करूँगी और मेरा डेस्कटॉप ओपन हो जाएगा। ओके, विंडोज सपोर्ट मल्टी टास्किंग। नाउ विंडोज 7 कैन परफॉर्म मोर देन वन टास्क एट अ टाइम। विंडोज 7 जो है वो एक से ज़्यादा टास्क एक टाइम पे परफॉर्म कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल वी कैन टाइप लेटर्स इन MS वर्ड वाइल एंजॉइंग म्यूजिक यूजिंग विंडोज मीडिया प्लेयर। सो बोल रहे एक टाइम पे दो चीज़ें जो हैं हो सकती हैं, कैसे, अगर हम MS वर्ड पे कुछ टाइप कर रहे हैं उसके साथ साथ हमने जो बैकग्राउंड में म्यूजिक प्ले किया हुआ है, इट्स प्लेइंग, सो हम वो म्यूजिक सुन रहे हैं साथ साथ हम अपना काम कर रहे हैं। सो दैट इज़ द अनदर फीचर। देन कम्स जंप लिस्ट। अब जंप लिस्ट जो है वो बता रहे कि एक बहुत ही न्यू फीचर है जो विंडोज 7 में आया था। दिस इज़ अ न्यू फीचर विच टेक्स अ स्ट्रेट टू द डॉक्यूमेंट्स पिक्चर सॉन्ग और वेबसाइट यू रिसेंटली विजिटेड। वो सीधा हमें वहाँ ले जाता है जो हमने रिसेंटली विजिट किया होता है। टू ओपन अ जंप लिस्ट राइट क्लिक ऑन प्रोग्राम बटन ऑन विंडोज 7 टास्क बार। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि विंडोज 7 का जो टास्क बार है उसके प्रोग्राम के ऊपर हमें राइट क्लिक करना है। दिस इज़ फाइल एक्सप्लोरर,
मैंने इसके ऊपर अगर राइट क्लिक किया, फाइन, सो ये सारी चीज़ें खुल गई कि मैंने लास्ट इनके अंदर क्या यूज़ की थी, क्या चीज़ें लास्ट मैंने यूज़ की हैं। सो इफ़ वी कैन सी, दिस इज़ ग्रेड 3 फोल्डर, आई ओपनड इट ट्वाइस, देन पेंट फोल्डर, कंप्यूटर फोल्डर, PDF, दिस इज़ ऑल माई स्कूल रिलेटेड स्टफ, फाइन। सो what I can do is I can simply very easily move to the folder. See, अगर मैं ये grade 3 टाइप उस पर क्लिक करूँ, see मेरा grade 3 का जो फोल्डर है वो easily open हो जाएगा। Same अगर मुझे कोई और फोल्डर ओपन करना है तो भी वो वन क्लिक, एंड सी फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे कंप्यूटर का फोल्डर ओपन करना है, वन क्लिक एंड माई फोल्डर इज़ ओपनड। ओके, अदरवाइज मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे दोबारा से डेस्कटॉप पे जाना पड़ेगा, देन मैंने जहाँ पे भी वो सेव किया है मुझे वहाँ जाना पड़ेगा। सी हाउ लॉन्ग प्रोसेस दिस इज, देन ग्रेड 3, राइट। और ऐसे क्या होगा, सी मैंने ओपन मेरा जो विंडो जो भी खुली हुई थी, आई जस्ट हैव टू डू राइट क्लिक एंड यस हेयर आई गो, जस्ट वन क्लिक एंड माई फोल्डर इज इन फ्रंट ऑफ मी, फाइन। सो दिस इज द जम्प लिस्ट। नाउ स्टार्टिंग विंडोज, नाउ हाउ वी कैन स्टार्ट विंडोज, वेन वी स्विच ऑन अ कंप्यूटर विंडोज स्टार्ट्स ऑटोमेटिकली, हम कंप्यूटर ऑन करते हैं तो विंडोज जो है वो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाती है एंड डिस्प्लेज अ वेलकम मैसेज। इट इज़ फॉलोड बाय द स्क्रीन ऑफ विंडोज नोन एज डेस्कटॉप, इट कंटेन्स सम ग्राफिक्स और सिम्बल्स नोन एज आइकन्स। अब वो बता रहे हैं कि जब हम कंप्यूटर ऑन करते हैं विंडोज़ ऑटोमेटिकली ऑन हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है और हमें एक स्क्रीन नज़र आती है जिसको हम बोलते हैं डेस्कटॉप, फाइन, दीज आर डेस्कटॉप। अब ये उन्होंने एक हमें एग्जाम्पल सैम्पल पिक्चर दी है ऑफ डेस्कटॉप, इसके ऊपर जो भी सिम्बल्स होते हैं, फाइन, दीज सिम्बल्स आर कॉल्ड आइकन्स, फाइन, ये आइकन्स, ये पूरी विंडो डेस्कटॉप है, दिस इज, दीज ऑल आर आइकन्स, देन हेयर इज अ स्टार्ट बटन, स्टार्ट बटन दैट इज स्टार्ट मेन्यू का, जो मेन्यू को स्टार्ट करने का बटन होता है वो, एंड देन दिस लाइन, सी जो मैंने आपको यहाँ पे भी बताई थी, दिस इज कॉल्ड टास्क बार, ओके। सो द स्टार्ट बटन, दिस इज़ प्रोबेबली द मोस्ट यूज बटन ऑन विंडोज डेस्कटॉप, वो कह रहे हैं अब जो विंडोज़ का जो डेस्कटॉप है उसके ऊपर ये सबसे ज़्यादा यूज होने वाला बटन है। वेन वी क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन अ मेन्यू डिस्प्लेइंग द मेजर ऑप्शंस अपीयर्स, ठीक है, अब हमारे जब हम स्टार्ट बटन करते हैं तो वो जो मेजर विंडो की जो बिल्कुल मेजर मेजर वो होते हैं प्रोग्राम्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा यूज होते हैं या बहुत ईज़िली आप कह सकते हो कि हम जैसे जो ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो ज़्यादातर लोग बहुत यूज़ करते हैं, सो उन सबको वो वहाँ पे हम शो करता है। दीज ऑप्शन प्रोवाइड एक्सेस टू द मेन प्रोग्राम्स ऑन अ कंप्यूटर, अब ये जो ऑप्शन हैं ये हमें मेन जो कंप्यूटर पे प्रोग्राम्स होते हैं उनके एक्सेस, उनको यूज़ करने में हमारी हेल्प करता है, ओके। सो नाउ अब अगर हम देखें कैसे हमारा जो स्टार्ट बटन है वो हमारी हेल्प करता है, सो लेट्स यूज इट, सॉरी, फाइन, सी दिस इज आर स्टार्ट बटन, अगर हम इस स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं ये सी ऐसे हमारी एक लिस्ट खुल जाती है जिसके अंदर हमारे मेन जो हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं वो चीज़ें आ जाती हैं। सो दीज आर द थिंग्स जो हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं, जो इजीली यूज़ के लिए हमारी चीज़ें हैं वो। देन अगर हम क्लिक करें ऑल प्रोग्राम्स पे तो ये हमें सारे प्रोग्राम्स की लिस्ट देता है एंड जो हम यूज़ करते हैं, फाइन। देन एसेसरीज़ में एक और आता है उसके अंदर जो हमें और ईज़िली हमारे लिए नोट पैड, कैलकुलेटर, पेंट, वर्ड पैड, ठीक है, ये सब चीज़ें जो हमें और ऑप्शंस देता है कि हम ये चीज़ें ओपन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमें पेंट ओपन करना है, हमने यहाँ से पेंट पे क्लिक किया तो हमारी ऐसी कुछ विंडो नज़र आ जाती है,
ओके सो नेक्स्ट कंप्यूटर यूजिंग अ कंप्यूटर फोल्डर वी कैन एक्सेस ऑल द फोल्डर्स एंड फाइल्स स्टोर्ड इन अ कंप्यूटर. ठीक है, अब हम जब भी कंप्यूटर यूज़ करते हैं, व्हेन वी यूज़ कंप्यूटर फोल्डर, जो हमारे डेस्कटॉप के ऊपर एक फोल्डर होता है कंप्यूटर के नाम से, उसको हम यूज़ करते हैं, तो हम जो है सारी अपनी जो फाइल्स हैं फोल्डर्स हैं वो हम देख सकते हैं उसको. इट इज़ यूजफुल फॉर फाइंडिंग ऑर्गेनाइजिंग मूविंग एंड कॉपिंग फाइल्स इन अ कंप्यूटर. अब वो कह रहे हैं ये जो है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है किसके लिए, जब हम कंप्यूटर के अंदर कोई भी हमें फाइल फाइंड करनी है, ऑर्गेनाइज करनी है, मूव करनी है एक जगह से दूसरी जगह, कॉपी करनी है, तो इसके लिए ये चीज़ यूज़ होती है. व्हेन यू डबल क्लिक ऑन कंप्यूटर फोल्डर यू विल गेट द स्क्रीन एज शोन इन द गिवन फिगर 3.6. ठीक है, यहाँ पे उन्होंने हमें स्क्रीन बिल्कुल टोटल बताई हुई है कि हम कंप्यूटर फोल्डर जो है उसको क्लिक करेंगे तो हमें ऐसा कुछ मिलेगा. फाइन, सो ये यहाँ पे वो हमें फोल्डर्स के बारे में बता रहे हैं. देन ये ड्राइव्स होती हैं, यहाँ पे जो भी फोल्डर्स हैं वो आ जाते हैं. दीज आर ड्राइव्स, लोकल डेस्क, CDE. ठीक है, इस जहाँ पे ये सारी इन्फॉर्मेशन होती है फोल्डर एंड ड्राइव्स की, वो कहलाती है लेफ्ट पैन. देन दिस इज़ राइट पैन. ठीक है, सो ये चीज़ है हमारी कंप्यूटर फोल्डर की. इफ़ आई शो यू हियर इज़ माई कंप्यूटर फोल्डर, फाइन, सो उस पर ये मेरा कंप्यूटर का फोल्डर खुला है. सी सेम थिंग, यहाँ पे वो मुझे फोल्डर्स बता रहा है, यहाँ पे वो मुझे ड्राइव्स बता रहा है. ठीक है, सो यहाँ पे भी ऊपर वो फोल्डर्स शो कर रहा है, देन ड्राइव्स, डिस्क एंड ड्राइव एंड फोल्डर्स, कौन कौन से फोल्डर हैं मेरे कंप्यूटर में, दैट्स व्हाट इट इज़ शोइंग टू मी. फाइन, सो नाउ फाइल्स एंड फोल्डर्स. अब फाइल्स और फोल्डर्स क्या होता है? फाइल, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन स्टोर्ड टुगेदर ऑन सम स्टोरेज डिवाइस सच एज हार्ड डिस्क, CD, DVD और पेन ड्राइव. कोई भी रिलेटेड इंफॉर्मेशन है जो हमने सेव की होती है, ठीक है, किसी भी हार्ड डिस्क पे, CD में, DVD में, उसको हम कहते हैं फाइल. एज वी की कीप इम्पॉर्टेंट पेपर्स इन अ फाइल, जैसे हम इम्पॉर्टेंट पेपर्स फाइल में रखते हैं, सिमिलरली एनी इन्फॉर्मेशन इन अ कंप्यूटर इज सेव्ड इन द फॉर्म ऑफ अ फाइल. सो कोई भी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर के ऊपर है तो वो सेव होती है एज फाइल. ईच फाइल इज गिवन अ फाइल नेम विच हेल्प्स अस टू फाइंड द डिज़ायर्ड फाइल. हर फाइल का एक अपना जो है कह सकते हैं नाम होता है, और वो जो नाम है वो हमें फाइंड करने में हमारी फाइल को बहुत ईजी लगता है, ईजी होता है. देन कम्स फोल्डर. फोल्डर क्या होता है? एज वी कीप ऑल आर फाइल्स इन अ फाइल कैबिनेट, हम फाइल्स को कैबिनेट में रखते हैं. सिमिलरली उसी तरह से कंप्यूटर के अंदर जो कैबिनेट है वो कहलाती है फोल्डर. फोल्डर जो है वो वर्क करते हैं. सिमिलरली अ फोल्डर इन अ कंप्यूटर इज़ लाइक अ कैबिनेट, वो एक कैबिनेट की तरह होता है जहाँ पे हम वेयर वी कीप रेलिवेंट फाइल्स, जहाँ पे हम रेलिवेंट फाइल्स रखते हैं. अ फोल्डर कैन होल्ड अदर फोल्डर्स एज वेल, एक फोल्डर के अंदर और फोल्डर्स भी हो सकते हैं. फोल्डर विद इन अ फोल्डर इज कॉल्ड अ सब फोल्डर. अ फोल्डर के अंदर अगर एक और फोल्डर हम डालते हैं तो वो कहलाता है सब फोल्डर. फाइन, सी फॉर एग्जाम्पल, हियर इज अ फोल्डर ऑफ माई नेम, दैट इज सुमित. सी दिस फोल्डर. ठीक है, इसके अंदर अब मैंने बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट फोल्डर्स बनाए हुए हैं. ये इसमें कंप्यूटर, इंग्लिश, एक्स्ट्रास, अ लॉट ऑफ फोल्डर्स आ गया. ठीक है, फिर इसके अंदर अगर मैं फोल्डर देखूं तो इसमें चैप्टर्स, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4, सब इसके चैप्टर्स हैं. फाइन, सो अगर मैं ग्रेड 4 निकालूं तो इसके अंदर मेरी फाइल्स हैं, दीज आर कॉल्ड फाइल्स. अगर अब तक मैंने देखा था सुमित जो है वो मेन फोल्डर था, देन कंप्यूटर उसका सब फोल्डर था, देन ग्रेड 4 फिर एक और सब फोल्डर था कंप्यूटर का, देन उसके बाद मैंने ग्रेड 4 के अंदर एक फोल्डर था वर्ड, देन वर्ड के अंदर मेरे जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो फाइल्स हैं, ठीक है, जो भी चीज़ें मैंने सेव करी हुई हैं वो फाइल्स हैं, ये सब ग्रेड 4 की फाइल्स हैं. सो दिस इज़ हाउ